तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है सबका दोबारा आज की नई वीडियो पे। तो दोस्तों, फाइनली एप्पल का जो इवेंट हुआ था वहां पे आईफोन 14 को लॉन्च कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आईफोन 14 के प्राइस को लेके कि कौन से मॉडल का, कौन से वेरिएंट का आपको कितना प्राइस देखने को मिलता है, इंडिया में क्या प्राइस होगा वो तो आपको बताऊंगा, साथ में बहुत सारी दूसरी कंट्रियों में जैसे कि कैनेडा की बात करो, यूएसए की, हांगकॉन्ग, चाइना, दुबई, बहुत सारी कंट्रियों के प्राइस बताने वाला हूँ। और साथ में अगर किसी दूसरी कंट्री में क्या प्राइस है तो उसका इंडिया में प्राइस कन्वर्ट करके कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सी कंट्री में आपको सबसे सस्ता आईफोन देखने को मिलता है और कौन सा मॉडल किस कंट्री में सबसे सस्ता है। और साथ में बात करूंगा कि ईसिम को लेके जहां पे आपको दो ईसिम डालने पड़ रहे हैं किसी कंट्री में और कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे आपको नैनो सिम कार्ड वाले आईफोन देखने को मिलेंगे, मतलब कि दो स्लॉट मिलेंगे, दो सिम कार्ड नैनो आप आईफोन में डाल सकते हैं। और साथ में एमएम वेव का वेरिएंट आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी प्राइस को लेकर इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 14 सीरीज के बारे में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे, चलो बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप आ चुके हैं मेरी लैपटॉप की होम स्क्रीन के ऊपर, तो मैं जहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं आपको प्राइस दिखाऊंगा, जहाँ पे मैंने एक पूरी एक्सेल सीट को यहाँ पे रेडी करके रखा है। आप जहाँ पे देख सकते हैं आईफोन 14 सीरीज के आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स सबके प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंडिया के, यूएसए, कनाडा, चाइना, हांगकांग, दुबई। अगर किसी और भी कंट्री का आपको प्राइस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका जो प्राइस होगा वो बता दूंगा। अभी जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पूरा प्राइस नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको प्राइस देखना कैसे है। और सबसे पहले आपको आईफोन 14 सीरीज के जितने भी यहाँ पे स्टोरेज और मॉडल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फिर यहाँ पे 14 प्लस के जाएंगे, उसके नीचे आपको 14 प्रो और फिर 14 प्रो मैक्स। 1 TB में आपको जस्ट दो ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। जैसे यहां पे आईफोन 14 है, इसका अगर 128 GB का हमको चाहिए, इंडिया में इसका प्राइस इतना है, आप देख सकते हैं 79,000 के अप्रोक्स है, 80,000 के अप्रोक्स है। उसके बाद यहां पे यूएसए में इसका प्राइस कितना होगा, $799 होगा। उसके बाद ब्रैकेट में मैंने दोबारा यहां पे इंडिया का जो प्राइस है वो आपको दिखाया हुआ है, कनाडा में इसका प्राइस कितना है वो बताया है, साथ में आपको इंडियन प्राइस को एक्सचेंज करके मैंने बताया जी जितने भी एक्सचेंज रेट आज के हैं, एक्सिस जो वेबसाइट है जो करेंसी एक्सचेंज वाली, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया थोड़ा सा प्राइस हो सकता है कि एक दो दिन या फिर एक दो वीक में 100-200 ऊपर नीचे हो जाता है इंडियन रुपीस, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाइना में कितना प्राइस है वो बता के रखा है, और हांगकांग में हांगकांग डॉलर में बता के रखा है, साथ में इंडियन करेंसी में बता के रखा है, दुबई में क्या चल रहा है, और जहाँ पे सबसे बेस्ट आपको कौन सी कंट्री में सस्ता पड़ता है वो जहाँ पे मैंने लास्ट में बताया कि कौन सी कंट्री में आपको ये खरीदना चाहिए, सबसे सस्ता कौन सी कंट्री में मिल रहा है। ऐसे मैंने हर एक वेरियंट का बताया, उसके बाद मैंने 14 जो प्लस है उसके बताए हैं, फिर मैंने 14 प्रो के बताए हैं, और फिर मैंने 14 प्रो मैक्स के बताए हैं। जितने भी प्राइस है ये टैक्स इंक्लूड प्राइस है, आपको जब एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाके परचेस करूंगे आपको इसी प्राइस में मिलेगा। हो सकता कि अगर आप किसी स्टोर में जाके खरीदे तो प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, जे आप जहां पे मैं चेंज करना भूल गया, जहां पे जो डेट है वो थोड़ी गलत होगी, मेरे से 15 सितंबर नहीं है। अगर कोई दूसरी कंट्री है जिसका प्राइस आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, वो मैं आपको बता दूंगा। और सबसे जुड़ी एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपको जो ई सिम देखने को मिलती है, आपको एमएम वेव का वेरिएंट देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको जो परचेस करना चाहिए वो आपको यूएसए से ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि यूएसए के वेरिएंट के अंदर जो आपको 5G का एमएम वेव का वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा और किसी भी आपको शायद कंट्री में दूसरी में देखने को नहीं मिले। उसके बाद आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि आप जहां पे अगर यूएसए में परचेस करते तो आपको दोनों जो है वो ई सिम डालनी पड़ेगी, उसमें आपको फिजिकल स्लॉट नहीं मिलेगा, इस बात का जहां पे आप ध्यान रख लेना। और ई सिम कैसे डालते हैं उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, चाहे वोडाफोन आइडिया किया है या फिर एयरटेल किया है, जियो किया है, कोई भी है, सबके ऊपर बनाई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो कैसे डालनी है वो आप देख लेना। अगर आप इन सब लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो, आप अगर ये भी चाहते हो कि हमको दोनों स्लॉट है वो ई सिम की जहां पे नहीं मिले, दोनों स्लॉट हमको जो है वो फिजिकल सिम कार्ड मिले जिसमें नैनो सिम कार्ड हम डालें, तो फिर जहां पे आप हांगकांग से परचेस कर सकते हैं, और हांगकांग का जो प्राइस है आपको यूएसए और कनाडा से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर आप चाहते हो जो इंडिया में वेरियंट आएगा उसमें आपको एक ई सिम और एक फिजिकल सिम कार्ड का स्लॉट मिलेगा, और यूएसए में जो है वो डबल आपको जो है वो ई सिम का मिलेगा। हो सकता है कि कोई ऐसे वेरिएंट मेरे को सुनने को मिल रहा है कि दो वेरिएंट में होगा, एक में ई सिम प्लस फिजिकल सिम होगा और दोनों में, और कुछ मॉडल में आपको दोनों ई सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगी। बाकी आप जहाँ पे देख लेना, कुछ भी है तो कमेंट करना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे जो कम प्राइस है वो आपको यूएसए में मिलेगा, और अगर आप फिजिकल स्लॉट वाले दोनों चाहते हो जिसमें नैनो सिम कार्ड डाली जाए तो वो आप जहाँ पे हांगकांग में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये जो मैंने इस प्राइस के बारे में बताया, मैंने 13 के भी पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो नहीं देखी तो देख लेना कौन सी कंट्री में कितना प्राइस पड़ता है। मैंने
जो आईफोन जब 12 लॉन्च हुआ था उसके ऊपर 11 के ऊपर भी ऐसा सेम मैंने एक्सेल सीट में आपको बताया हुआ है। तो वीडियो को आप जहाँ पे पॉज करके जितने भी प्राइस हो गए वो देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, तो कुछ भी है तो आप कमेंट कर देना। तो दोस्तों यही था जो मैंने आपको बताया आईफोन 14 के सीरीज़ के बारे में। अगर कोई भी आपका सवाल आ जाए, फिर कोई भी ऐसी कंट्री में कौन कितना प्राइस होगा, कौन से वेरिएंट का अगर मैंने नहीं बताया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। या फिर किसी भी तरह की आपको इस सीरीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करना, लाइक करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।